अनिला सिंह, ये लोग कहते हैं अनिला जी आपकी बारी है, बोलिए अनिला जी बोलिए। मेरी सबको राम राम। और मैं अपनी बात की शुरुआत जो है एक शेर से करूंगी कि मैं जली हुई राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर वो शहीद हूँ। वो सब शहीद जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया है इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, और स्वतंत्र होने के बाद भी अपने सरहद को सुरक्षित करने के लिए, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए मैं आज उन सबको नमन करती हूँ। और आप ही के चैनल से आह्वान करती हूँ कि जब हम चाहे गणतंत्र दिवस मनाएं चाहे स्वतंत्रता दिवस मनाएं, कृपया करके एक विरोधी की तरह ना मनाएं, कृपया करके एक नागरिक की तरह मनाएं। और जब प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है तो उसको एक विरोधी की नजर से ना देखें, उसको राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के रूप में सुने। तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि आप ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं कि जो राष्ट्र जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, उसके बावजूद, कोरोना के बावजूद, यूक्रेन रशिया के बावजूद, वॉर के बावजूद, जिस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आज हम पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था है। और आप देखिएगा 27 तक जो है हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। और जो विजन विजन उन्होंने 2047 का बताया है, उसको सुनकर मुझको लगता है कि हर नागरिक को गर्व होगा। क्यों हर बार आप लोग भारत को खंड खंड में बांट देते हैं? अरे कोई एक दिन तो ऐसा रखिए ना जब आप नागरिक के रूप में सोचे। अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, और जी अनिला जी, राजकुमार भाटी कह रहे हैं राजनीति की शुरुआत तो प्रधानमंत्री ने कर दी अपने भाषण से, लाल किले से। विपक्ष को मौका दे दिया, विपक्ष क्यों नहीं राजनीति करेगा? उन्होंने क्यों अपने थर्ड टर्म की और अगली बार आऊंगा ये सब बोला? आशीर्वाद मांगा वोटरों से, नहीं ये राजनीति नहीं। अच्छा, ये आगे का उन्होंने ब्लूप्रिंट बताया, उन्होंने आज की स्थिति परिस्थिति के विषय में चर्चा करी है। क्योंकि हम अपने राष्ट्र को दोबारा, जैसे कि भगत सिंह साहब ने कहा था, 30.5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी थी। और उनका भी जो जिक्र होता है इतिहास की पुस्तकों में एक छोटा सा पैराग्राफ के रूप में देते हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अरे कम से कम भगत सिंह जी का नाम आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का लिहाज कर लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि मैं केवल ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है, केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाए। मैं ये चाहता हूं उनके जाने के बाद अगर काले अंग्रेज भी यहाँ पे राज करते हैं, उनकी गुलामी से भी मुक्त होना चाहिए। पर ये दुर्भाग्य है ना इस राष्ट्र का कि 1947 में आजादी तो मिल गई, परंतु ब्रिटिशर्स के जो नीतियां थी, मिशन विजन था, उसको ढोकर चली। हैंडक्राफ्टेड थी ना कांग्रेस पार्टी, और उसके उस जो वो मिशन विजन ये लेकर चले हैं, सताया कौन गया? आम नागरिक सताया गया ना, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। 9 वर्ष पहले मतलब अनिला जी, जनता ने सुधारी थी वो। मतलब आप कह रही हैं लाल किले से पीएम ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण दिया है, नेता के तौर पर नहीं दिया, कोई राजनीति नहीं की उन्होंने? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने सब, एक चीज बता दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स जितने भी होते हैं, उन्होंने बताया स्पष्ट शब्दों में कि किस प्रकार से भारतवर्ष जो है, अगर हम विश्व की पृष्ठभूमि में भी देखें तो बिल्कुल अग्रसर है। ऐसे ही कोई यूएसए और रशिया और यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो नेतृत्व है, वो आज जो है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर okay.